स्मरण आता है, आदरणीय मामा जी लोग बैठे हैं, वो परिचित हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही उनने शरीर को त्यागा, गुरुदेव के निकटवर्ती शिष्यों में रहे। आप किसी भी पुराने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के घर में जाकर के गुरुदेव की यात्रा की फोटो देखें तो आपको सहजता से उसमें उनका चित्र दिख जाएगा। रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी अभी कुछ दिन पहले उनने शरीर को त्यागा, मस्तिष्क बिहार के रहने वाले थे। उनका जो गुरुदेव से जुड़ने का घटनाक्रम है वो अपने आप में अद्भुत है। उनके जो अपने गुरु थे उन दिनों में, 1967 की मैं बात कर रहा हूँ, उनने शरीर को त्यागा, और जब उनने शरीर को त्यागा तो उसके कुछ महीनों के बाद वो शुक्ला मामा जी को सपने में आए और आकर के उनसे बोले कि ऐसा है बेटा, मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और मेरी मुक्ति संसार में एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति के पास एक शक्ति सामर्थ्य ताकत है कि वो मेरे संस्कारों के धागे को काट सके। बोले उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, नाम सुना नहीं था उनने, पहली बार सुना सपने में। और बोले वो इस युग के अवतार हैं, इस जगह पर ऐसे ही नहीं आएंगे, उनको आने के लिए और उनको यहाँ पर लाने के लिए आपको इस जगह के संस्कारों को बदलना पड़ेगा, भूमि को संस्कारित करना पड़ेगा, तब जाकर इसके अंदर वो योग्यता आ पाएगी कि गुरुदेव इस स्थान पर आए। तो बोले तुम एक काम करो, छोटा स्थान है, कल से इस जगह पर गायत्री का अनुष्ठान प्रारंभ करो। ठीक, शुरू करेंगे। अगले दिन से उनने अनुष्ठान शुरू किया, 108 गायत्री मंत्रों के साथ आहुति देने का क्रम बनाया। 3 वर्ष निकल गए। 3 वर्ष निकलने के बाद उनके मन में शंका आई कि अरे मैंने सपना ही तो देखा था, क्या पता झूठ हो, क्या पता मेरे मन का वहम हो। उनने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखता हूँ। उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु का आदेश है, आप आइए और हमको मार्गदर्शन दीजिए और हमारे यहाँ इस छोटे से गांव में आइए, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? 3 पेज की चिट्ठी लिखी और 3 पेज की चिट्ठी में अपने क्षेत्र की समस्याओं का ब्यौरा लिखा। हमारे यहाँ शिक्षा है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति यहाँ पर आएँ और आप जैसे गायत्री महाविद्या के साधक यहाँ आएँ तो इस क्षेत्र को थोड़ा दिशा मिल सकेगी, तो एक बार जरा आप उद्बोधन के लिए आइए। ये लिखा 3 पेज की चिट्ठी थी, गुरुदेव ने 3 लाइन का उत्तर दिया, लिखा आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है। 2 वर्ष और हुए, 2 वर्ष के बाद गुरुदेव आए, उसी कमरे में गए, उसी कक्ष में गए जहां उनने शरीर को त्यागा था, अंदर से जाकर के चटकनी बंद करी, आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले मिलना है तो मिल लो। किससे मिल लो? उनसे मिल लो जो उनके गुरु थे, 5 वर्ष पहले शरीर छोड़ करके गए थे। अंदर गए तो साक्षात खड़े थे और उनके गुरु बोले कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो तेरा गुरु था, तुझे सदगुरु मिल गए हैं, छोड़ना नहीं।